नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में सबसे बड़ा अपैरल पार्क बनेगा। इस अपैरल पार्क से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कहां किस सेक्टर में बनेगा यह अपैरल पार्क, यमुना विकास प्राधिकरण किस तरह से कर रहा है इसकी तैयारी, इस संबंध में और क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान। यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे यमुना सिटी में दो अपैरल पार्क बनेंगे। पहला अपैरल पार्क 300 एकड़ जमीन पर और दूसरा अपैरल पार्क 1000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। दो अपैरल पार्क बनने से यमुना सिटी के अपैरल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा अपैरल पार्क बन जाएगा। आइए पहले बात करते हैं यमुना सिटी में 300 एकड़ में बनने वाले अपैरल पार्क की। इसमें 37 औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। अगले दो महीने में रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा और फिर इसके बाद निर्माण कार्य तेज होगा। 5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सेक्टर 29 में 300 एकड़ जमीन पर यह पहला अपैरल पार्क बनाया जा रहा है। इसमें 100 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण ने लीज प्लान जारी कर दिया है। पहले 8 कंपनियों को लीज प्लान जारी किया था, अब 29 कंपनियों को लीज प्लान जारी कर दिया गया है। 4000 करोड़ के निवेश का इस अपैरल पार्क में अनुमान है। अपैरल पार्क की खास बात ये होगी कि इसमें 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के चेयरमैन ललित ठुकराल के अनुसार आसपास के गांव की महिलाओं को इसमें नौकरी मिलेगी। नौकरी से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और गांव से अपैरल पार्क में आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं यमुना सिटी में बनने वाले दूसरे अपैरल पार्क की। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना के तहत इसको 1000 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 1000 एकड़ जमीन मांगी है। यह जिले का दूसरा अपैरल पार्क होगा। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि वस्त्र मंत्रालय ने देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना करने की स्वीकृति दी है। इसके तहत वस्त्र मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के माध्यम से यमुना प्राधिकरण के सीईओ को न्यूनतम 1000 एकड़ भूमि की मांग की है। यूपी सरकार ने यमुना विकास प्राधिकरण से विवाद से मुक्त जमीन का प्रस्ताव मांगा है। इसकी उपलब्धता की जानकारी तत्काल प्रस्ताव बनाकर यमुना विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेगी और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके बाद मेगा अपैरल पार्क को स्थापित करने के लिए तेजी से काम शुरू होगा। मेगा अपैरल पार्क को एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत विकसित किया जाएगा। ऐसे में जिला गारमेंट व टेक्सटाइल हब का निर्माण होगा। यहां पर गारमेंट एक्सपोर्ट से जुड़ी छोटी से छोटी वस्तु के उत्पादन की भी अपनी अलग यूनिट होगी। यमुना विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, न्यू ग्रेटर नोएडा, टप्पल वाजना, राया, मथुरा, अर्बन सेंटर सहित NCR की खबरों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहिए जागो हिंदुस्तान। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।